हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आज आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बट मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। बट हम हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक न्यूली बिल्ड लग्जरियस इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला लेकर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पर लेकर आए हैं। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस 500 गज के डुप्लेक्स विला को देखने के लिए। सो लोकेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। आप देख सकते हैं आसपास की लोकेलिटी इज़ वेरी वेरी पोश एरिया। सो देख सकते हैं आप, सारा का सारा डेवलप एरिया है, आसपास के घर डेवलप्ड हैं। और रही बात इस घर की, तो ये अभी काम चल ही रहा है। हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी लग्जरी और ऐसी डिफरेंट इन्वेंट्री आती है तो हम आप तक वो पहुँचाएँ डेफिनेटली। सो दोस्तों आज हम देखने आए हैं इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा घर है। सो आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 79 मोहाली में। अफकोर्स 79 की और भी हमारी वीडियोस आपने देखी होंगी, हमेशा बहुत ही कमाल की इन्वेंट्री लेकर आप सभी के लिए आते रहते हैं, तो उनमें से एक इन्वेंट्री आज की ये रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इस घर के एलिवेशन की। तो एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वुडन का वर्क हमें देखने को मिल रहा है, टाइल वर्क हमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन हमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है। तो जैसा हम आजकल चाहते हैं मॉडर्न डिज़ाइन का हमारा घर हो, तो वैसा ही प्रॉपर घर आज का होने वाला है। तो हमारी सारी की सारी विशेष को फुलफिल कर रहा है ये 500 गज का घर। एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, एक्साइटमेंट में मैं खुद ही भूल गई कि ये घर आपको विद लिफ्ट मिल रहा है। 500 स्क्वायर यार्ड का इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स विला विद लिफ्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे पार्किंग एरिया से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारी गाड़ी ऑलरेडी हैरियर यहाँ पे पार्क्ड हो रखी है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस हमें बर्म एरिया का मिल जाता है। इधर आप इस तरफ को भी देखिए, सो बर्म एरिया का हमें काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है। दैट मीन्स हमें पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, घर के बाहर आप अपनी दो गाड़ियां लगा सकते हैं। सो यहां पर सबसे पहले पार्किंग के बाद बात आती है हमारे गेट की। तो गेट आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, ब्लैक कलर का गेट यहां पे दिया जा रहा है, बिल्कुल आयरन का प्रॉपर गेट है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है गेट का। सो ये डबल गेट आपका आ जाता है, सिंगल गेट ये रहा। सो ये तो था गेट, गेट हमने देख लिया है। अब आ जाइए इस घर के अंदर, और घर के अंदर की पार्किंग स्पेस की करते हैं हम बात। तो ये है घर के अंदर का एरिया जो इतना ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी सारा स्पेस हमें मिलता है घर के अंदर हमारी गाड़ियों को पार्क करने का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितनी गाड़ियाँ पार्क होंगी, तो लगभग 4 गाड़ियाँ में भी आई गेस हम पार्क कर सकते हैं, अच्छा हमें स्पेस मिल रहा है। तो बहुत हमारे को एक प्लस पॉइंट ये है कि कल को हमें फील ऐसा नहीं होगा कि यार पार्किंग नहीं है, घर तो इतना बड़ा ले लिया बस पार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ हमें कभी फील नहीं होने वाली है क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारा पार्किंग स्पेस मिल रहा है। सो बात की जाए ग्रीन एरिया की, तो अब इतना बड़ा घर है, 500 गज का घर है, और एक ग्रीन स्पेस ना हो तो बात बनेगी नहीं बिल्कुल भी, है ना। सो यहाँ पर आपको ग्रीन स्पेस भी दे दिया गया है, कल को अगर आपको थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा बैठना है, कुछ कॉफ़ी पीना है, चाय पीना है, आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, मी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। सुबह के वक्त तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। सो ऊपर एलिवेशन, अगेन मेरी तो निगाहें नहीं हट रही हैं इस एलिवेशन से क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इसका एलिवेशन है। एंड यहाँ पर एलिवेशन के साथ ये जो वर्क है इधर, उनका वर्क भी बहुत अच्छा किया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, टॉप तक है, बहुत खूबसूरत है, वुडन का वर्क भी हमें मिल जाता है। अब उसके बाद जैसे हम पार्किंग की बात कर रहे थे, पार्किंग के बाद के वक्त आपने नोटिस किया होगा डेफिनेटली, मे बी शायद नहीं भी, जो ये डोर है। सो दोस्तों ये जो डोर है, यहाँ से आपके स्टेयर्स निकलते हैं जो कि टॉप तक जाते हैं, टेरेस तक, जहाँ पर आपको दो हॉल मिल जाते हैं, सर्वेंट रूम आपको मिल जाते हैं। इससे क्या है कि एक तो आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी, अगर कल को आप सर्वेंट नहीं रखना चाहते हैं और ऊपर वाले स्पेस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ ऑफिस स्पेस, तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे जो स्टेयर्स हैं वो सेपरेट आ गई, आपको घर के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड आपका काम भी बनता रहेगा, एंड साथ ही साथ में आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी। सो अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हमारी मेन एंट्रेंस की ओर। सो ये हम पहुंच गए हैं हमारी मेन एंट्रेंस डोर की ओर।
बहुत ही डिजाइनर वुडन का प्यारा सा डोर हमें यहाँ पे मिल रहा है विद द डिजिटल लॉक। डिजिटल लॉक तो आजकल आप देख ही रहे हैं, हर घर में आपको डिजिटल लॉक मिल ही रहा है। उसका कारण यही है कि आपका सिक्योरिटी, एक चाबी वाला झंझट खत्म हो जाता है और एक सिक्योरिटी पर्पस ये चीज ये ओपन होगा सिर्फ तीन चीजों से, या तो कार्ड से, या फिंगरप्रिंट से, या फिर पासकोड से, सिर्फ और सिर्फ। तो आइए दोस्तों, अब आप सभी को इस घर के अंदर लेकर चलते हैं एंड देखते हैं। और एक बात और, मैं भी इस घर के अंदर आप सभी के साथ पहली बार जा रही हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। 500 गज का है तो डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, स्पेस सबसे ज्यादा होगा। एंटर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका पाउडर रूम। सो ये है आपका पाउडर रूम, एंट्रेंस पे पाउडर रूम बना दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कल को गेस्ट आते हैं तो उनको वॉशरूम यूज़ करना है, तो आपके पर्सनल बेडरूम के वॉशरूम को यूज़ करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती रहेगी। एंड ऊपर अभी देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि काम अभी घर में पेंडिंग है, बट हम स्टार्टिंग में ही वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि अगर आपको चीज़ पसंद आए तो आप उसको एडवांस में ही अपने लिए बुक कर ले, या तो फिर सिर्फ देखने आ जाएं। तो ऊपर देखिए, ऊपर आ जाता है आपका फॉयर एरिया जो कि अभी डिज़ाइन होना है, थोड़ा बहुत काम इसमें बचा है। और जो ये हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, जो फॉयर एरिया आ जाता है, इसको आप डेकोर कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएटिव आइटम्स रख सकते हैं, या कुछ भी आप अपनी तरफ से प्लांटेशन यहाँ पे कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपकी एंट्री बहुत खूबसूरत होगी तो आपके गेस्ट भी एंटर करते हैं डेफिनेटली बोलेंगे यार क्या घर है इनका, शुरुआत में इतना खूबसूरत घर देखने को मिल रहा है। सो ये आ गया आपका सेपरेट ड्राइंग स्पेस। तो ये ड्राइंग एरिया है आपका सेपरेट, ऊपर फॉल सीलिंग आ जाती है विद एलईडी लाइट्स। इस तरफ को एक बड़ी विंडो दे दी गई है ताकि जो सनलाइट है वो प्रॉपर आपको मिलती रहे। सो ये तो था हमारा ड्राइंग स्पेस। एंड यहाँ पर ना सारी की सारी एसी की प्रोविजनिंग सारी की सारी ऑलरेडी डन है, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करवाने की जरूरत नहीं होगी। एंड एक चीज ये भी है, जैसे कल को अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको प्राइवेसी चाहिए अपनी, तो उसके लिए एक डोर भी दे दिया गया है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेपरेट ही कर दिया गया है आपका जो ड्राइंग स्पेस है। अब इसके बाद आपको लेके चलते हैं सीधा कौन से स्पेस में, फैमिली लाउंज एंड डाइनिंग स्पेस में आ जाइए। सो जितना मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये वाला एरिया आपका आ गया फैमिली लाउंज एरिया, ये वाला स्पेस है आपका फैमिली लाउंज स्पेस। एनर्जी की बहुत कमी है दोस्तों। सो ये आपका आ गया फैमिली लाउंज एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वुडन का टीवी पैनल आ गया, बहुत ही सुंदर है, फुल हाइट तक का आपको दे दिया गया है यहाँ पर टीवी पैनल स्पेस, वुडन का काफ़ी अच्छा वर्क है। ऊपर आपका फॉल सीलिंग आ जाता है विद एलईडी लाइट्स। एंड उसके बाद दिखा देते हैं आप सभी को डाइनिंग का स्पेस, ये वाला एरिया रहेगा आपका डाइनिंग का। यहाँ पर आपका ना 10 टू 12 सीटर आप अपना डाइनिंग टेबल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें उसके बाद भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी मूव करने के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। और जो आपका डाइनिंग एरिया रहेगा वो डबल हाइटेड रहेगा, ऊपर आप देखिए प्रॉपर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है। ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बाद में। बट एक चीज़ ये है कि ये वाला स्पेस देखिए नीचे, जो इस स्टेयर्स के नीचे वाला स्पेस है, आप इसको ना कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप सिटिंग स्पेस भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ये तो मेरे अपने आइडियाज़ हैं जो हम आपको शेयर करते रहते हैं। अब इसके बाद बारी आती है सबसे खास हिस्से को देखने की, वो क्या है, ऑफकोर्स हमेशा की तरह किचन। अरे किचन की तो बात ही क्या है, देखिए आप स्पेस कितना सारा यहाँ पे दे दिया है। एक किचन में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पेस का होना, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, बहुत ही स्पेशियस किचन है। डेफिनेटली मुझे इस घर में अब तक किचन ही पसंद आया है, हमेशा मुझे किचन ही पसंद आता है। आप देखिए कितना सारा स्पेस यहाँ पे दे दिया है इस किचन को, वाओ। एंड कलर्स कितने ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, कलर्स मुझे बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया है इसका। यहाँ पर आपका फ्रिज का स्पेस है, सो यहाँ पर आपका फ्रिज आ जाएगा, ये यहाँ पर आपका ओवन माइक्रोवेव आ गया, नीचे आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए स्पेस दे दिया गया है, इधर आपका क्रॉकरी यूनिट आ गया। आफ्टर दिस कैबिनेट्स हमें कितने सारे मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि कैबिनेट्स हमें काफ़ी सारे मिल रहे हैं। इधर देखिए चिमनी हॉप आ गया, चिमनी हॉप का एरिया। एंड ऑफकोर्स कैबिनेट्स हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। सो ये तो था हमारा ड्राई किचन। ड्राई किचन के बाद आता है हमारा वेट किचन। तो ये दे दिया है हमारा वेट किचन, डबल सिंक के साथ
काफ़ी सारे कैबिनेट्स के साथ एंड जो फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं सैनिटरी फिटिंग्स, वो सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी जैक्वार की फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं। और यहाँ से आपके वेट किचन से आपको एक्सेस मिलता है आपके बैकयार्ड का, बैक स्पेस का एक्सेस मिलता है। तो यहीं से चलते हैं बैकयार्ड को देखने के लिए, आ जाइए। सो ये काफी ज्यादा स्पेशियस हमें ना यहाँ पर बैकयार्ड दे दिया है। ऑफ कोर्स 500 गज का घर होगा तो इतना बैकयार्ड होना तो जरूरी है। यहाँ पर एक वॉल को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, ये देखिए एक वॉल को काफी अच्छा डिजाइन दे दिया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है एक वॉल। इधर आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं, आपके क्लोथ्स की वॉशिंग इजीली हो जाएगी। एक चीज ये है यहाँ पर एक रूम दे दिया गया है ताकि जो आपका एक्स्ट्रा सामान है या कोई स्टोर रूम आप बनाना चाहे तो बेसिकली ये स्टोर रूम रहेगा, आप इसको स्टोर रूम बना सकते हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है वो आराम से यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी वापस से चलते हैं घर के अंदर क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और देखते हैं अब बेडरूम्स को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला अब बारी आती है बेडरूम्स को देखने की, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे दो बेडरूम्स देख पा रही हूँ, दो बेडरूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं। सो फर्स्ट बेडरूम ये है, बट आई एम सो सॉरी मैं ये बेडरूम अच्छे से आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पर ना सामान बहुत है, सामान वगैरह काफ़ी है। तो इसीलिए क्योंकि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि घर अभी बन रहा है इसीलिए सामान वगैरह काफ़ी सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, प्लीज़ इग्नोर करिएगा उस सबको। तो ये हमारा वार्डरोब स्पेस आ गया, वॉक इन वार्डरोब्स हमारे रहेंगे, अटैच्ड वॉशरूम हमारा आ जाता है, यहाँ पे टीवी पैनल हमारा दे दिया गया है। तो अच्छा एक ना इसका प्लस पॉइंट क्या है वो ये है कि आपको ना इसकी एंट्री ना बाहर से मिल जाती है, डायरेक्ट एंट्री है, तो आप इसको गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं एंड यहाँ पर भी ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है विद द LED लाइट्स। अब देखते हैं सेकंड बेडरूम, बट सेकंड बेडरूम में जाएं उससे पहले ये देखिए लिफ्ट यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बोला था लिफ्ट के बारे में, तो ये लिफ्ट आ जाती है आपकी जो कि आपको लेकर जाएगी टॉप फ्लोर तक। तो जैसे कि हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनको जैसे स्टेयर्स वो नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते हैं उन्हीं के लिए स्पेशली ये जो लिफ्ट है दे दी गई है ताकि उनको अगर फर्स्ट फ्लोर तक जाना है या टॉप फ्लोर तक जाना है तो वो स्टेयर्स का यूज़ कर ले तो ईजी हो जाएगा उससे। ये दोस्तों अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में, तो सेकेंड बेडरूम हम आराम से देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सामान नहीं है इसीलिए। तो ये सेकेंड बेडरूम आ गया, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है, ऊपर फॉल सीलिंग आ जाती है LED लाइट्स के साथ, सामने इधर को आपका TV पैनल आ जाता है, काफ़ी बड़ा सा TV पैनल, आप अपना यहाँ पे कोई भी साइज़ का TV इंस्टॉल कर सकते हैं। वुडन का नीचे आपको कैबिनेट्स मिल जाता है, इधर जो ये ब्लॉक्स दिए गए हैं आप यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, क्रिएटिव आइटम्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स या कुछ भी आप जैसे भी आप रखना चाहें। और यहाँ से आपको आपके सेकेंड बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है बैकयार्ड का, बैक स्पेस का, एंड जो वो वॉल है यार उस पर तो बहुत ही कमाल की पिक्चर आएगी, बहुत मस्त पिक्चर्स आने वाली हैं उस वॉल के साथ। तो अभी दिखाते हैं आप सभी को वॉक इन वार्डरोब्स। जी तो ये आ गया आपके वॉक इन वार्डरोब्स और काफ़ी सारी स्टोरेज के साथ हमें वॉक इन वार्डरोब्स मिल रहे हैं, एंड उसके बाद ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। सो ये अटैच्ड वॉशरूम आ गया, ये आपका बाथिंग स्पेस आ गया, एंड इधर आ गया आपका वॉश बेसिन एरिया जिसमें सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग्स की गई हैं प्रीमियम क्वालिटी जैक्वार की। तो ये दिखाती हूँ मैं आप सभी को, जो कि वार्डरोब्स हैं स्पेस के साथ, कितनी स्पेस है आप देख लीजिए खुद से ही कि कितनी सारी स्पेस हमें मिल जाती है इधर। एक ना ये चीज़ होता है कि इतने सारे वार्डरोब्स होते हैं ना तो एक रिलीफ होता है कम से कम कि यार कितने भी हमारे क्लोथ्स हैं, कितनी भी हमारी चीज़ें वो आराम से फिट इन हो जाएंगी, स्पेशली हम वुमेंस की। ऊपर आप देखिए एक चीज़ की आपको ऊपर तक स्टोरेज मिल रही है, यूजली क्या होता है कि नीचे नीचे तक रहता है वार्डरोब, यहाँ पर आपको टॉप तक के वार्डरोब मिल रहे हैं, कमाल की बात ये है। तो हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा देख लिया है, अब चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे एंड उम्मीद करती हूँ वहाँ पर भी सेम स्पेशियस चीज़ें हमें मिले, काफ़ी सारी स्पेस के साथ हमें मिले। सो यहाँ पर हमारे जैसे हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं, बट हम लिफ्ट देख चुके हैं, लिफ्ट हमने आपको दिखा दिया, तो अब बारी आती है आप सभी को स्टेयर्स दिखाने की। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर एंड काफ़ी डिफरेंट स्टेयर्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं,
ये देखिए यहाँ पर जो स्टोन्स का ये एक वॉल को तैयार किया गया है स्टोन के साथ, काफी डिफरेंट लग रहा है एंड काफी अच्छा इसका लुक भी आ रहा है, काफी क्लासी वाइब ये मुझे दे रहा है। सो अभी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम होना है, जब यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा उसके बाद इस जगह की जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आने वाली है। अगर यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए शैंडलर्स वगैरह आ जाएंगे, जो कितने क्लासी वाले शैंडलर्स होते हैं, तो उनकी वजह से तो लुक बहुत डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर इस स्पेस का। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी से सर्दियाँ आ जाए क्योंकि गर्मियाँ बिल्कुल नहीं झेली जा रही है दोस्तों। सो ये देखिए आप ये वाला एरिया, ये आप अपना सिटिंग स्पेस बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हमें यहाँ पर ये जो हॉल है वो मिल रहा है। आप ये देखिए जो हम नीचे से स्टेयर्स देख रहे थे, सो ये है, यहाँ से आपको सीधा टेरेस का रास्ता मिलता है। तो क्या है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होती रहेगी। तो आप दिखाते हैं आपको बेडरूम्स में जाएं, उससे पहले मैंने यहाँ पे ना एक पेंट्री देखी है। सो ये देखिए, ये मैंने पेंट्री एरिया देखा था ऊपर एंटर करते ही। सो ये आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी एक पेंट्री स्पेस दे दिया है, ताकि जैसे आपको, आप ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और आपको नीचे तक जाने का बिल्कुल मन ही नहीं है, उतना कष्ट करने का मन ही नहीं है, तो यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख लीजिए, वहाँ से उठा के मज़े करते रहिए, खाते रहिए। अब मैं यहाँ से ना आपको फ्रंट बालकनी एक बार दिखा देती हूँ। सो ये आ जाती है हमारी फ्रंट बालकनी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बालकनी है, काफ़ी स्पेस भी बालकनी का दे दिया गया है। आप यहाँ पे एक दो चेयर्स लगा लीजिए, सेंटर टेबल आ जाएगा आपका एंड यहाँ से बिल्कुल बारिश के वक्त तो मज़े आ जाएंगे, बिल्कुल पकौड़ों के साथ इंजॉय करेंगे आप व्यू। अब दिखाते हैं आप सभी को बेडरूम्स। तो बेडरूम्स की बारी आ गई है, यहाँ पर इस तरफ को ये फर्स्ट बेडरूम आपका रहेगा। यहाँ पर ना जो खास बात ये है कि जो फ्लोरिंग है वो वुडन की दे दी गई है, तो वुडन की फ्लोरिंग मुझे बड़ी पसंद है। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है एंड फॉल सीलिंग के बाद इस तरफ को यहाँ पर आपका टीवी पैनल आ जाता है, काफ़ी अच्छा टीवी पैनल है, वुडन का टीवी पैनल प्रॉपर आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। टीवी पैनल के बाद इधर आपके वॉक इन वार्डरोब्स आ जाते हैं और अगेन काफ़ी सारी स्पेस के साथ, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ, जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत होती है। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है अटैच्ड वॉशरूम। सो ये अटैच्ड वॉशरूम हो गया, तो पूरे घर में हर एक एरिया में जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सारी की सारी जैक्वार की फिटिंग्स यहाँ पर की गई हैं एंड आप खुद ही जानते हैं जैक्वार कितना बड़ा ब्रांड है। और एक चीज़ ये है, बोलने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी बोलना चाहूँगी, कि आपके ऊपर थर्ड बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है आपके फ्रंट बालकनी का, वो भी सेपरेट बालकनी का। आपने देखा वहाँ से भी सेपरेट बालकनी थी और आपके थर्ड बेडरूम से भी आपको सेपरेट बालकनी मिल रही है। तो आइए दोस्तों अब दिखाते हैं आप सभी को फोर्थ बेडरूम। सो हमें, दैट मीन्स हमें 5 बेडरूम्स मिल रहे हैं इस घर में। ये आ गया आपका फोर्थ बेडरूम, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम हमें मिल रहा है। देखिए आप कितना स्पेशियस बेडरूम हमें मिल जाता है यहाँ पर। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क है, फॉल सीलिंग का वर्क जिसमें LED लाइट्स हैं। यहाँ पर आपका टीवी पैनल आ जाता है, साथ में एक मिरर भी दे दिया गया है। और यहाँ से आपके फोर्थ बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है बैक बालकनी का। बैक बालकनी में जाके दिखा देती बट सो सॉरी, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ आप समझ ही सकते हैं ये बात। तो यहाँ पर आपका आ गया वॉक इन वार्डरोब्स, ये वॉक इन वार्डरोब्स आ गए और काफ़ी सारी स्टोरेज के साथ काफ़ी सारे कैबिनेट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड ये आ गया हमारा अटैच्ड वॉशरूम। दोस्तों हमने हमारा फोर्थ बेडरूम भी देख लिया है, लेकर चलते हैं अब आप सभी को फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम की ओर। तो ये आ गया आपका फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ हमें मिल रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग आ जाती है, यहाँ पर सामने आपका टीवी पैनल आ गया, वुडन का टीवी पैनल आपको दिया जा रहा है एंड यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है सीधा आपकी बालकनी का। चाहे गर्मी कितनी भी हो, बालकनी में जाके तो हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आप ये देखिए हमें कितनी ज़्यादा अच्छी बालकनी मिल रही है, रनिंग बालकनी हमें प्रॉपर मिल जाती है यहाँ पर। कितना सारा स्पेस हमें बालकनी का यहाँ पे दिया जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने आपके लंच एंड डिनर के बाद आप यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं एंड नीचे आपको यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे तो मज़ा बहुत आएगा बैठने में क्योंकि धूप बड़ी अच्छी आएगी, बट अभी नहीं आ रहा।
सो आइए दोस्तों, बालकनी तो हमने देख ली है। बैक बालकनी के बाद आता है हमारा वार्डरोब एरिया, जो कि हमारे वॉक इन वार्डरोब्स रहेंगे, काफ़ी सारी स्टोरेज के साथ आ जाते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार खोल के, ये देखिए। एंड साथ में हमारा आ गया अटैच्ड वॉशरूम, ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। काफ़ी सारी स्पेस के साथ हमें हमारा अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। अब इसके बाद हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा देख लिया है, फर्स्ट फ्लोर भी पूरा देख लिया है। अब आप सभी को लेकर चलते हैं लिफ्ट से सीधा टेरेस में। तो चलिए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ओ माय गॉड, ये क्या देख रही हूं मैं, मैंने ये तो डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट किया था। वाओ, एक अपना पर्सनल बार स्पेस, बताइए क्या लेना चाहेंगे। ये देखिए कितना ज्यादा अमेजिंग स्पेस हमें मिल रहा है यहाँ पर, बार एरिया सेपरेट, आपका पर्सनल बार स्पेस। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर तो महंगी शैम्पेन्स ओपन करने में क्या ही मजे आएंगे। उसके बाद डेफिनेटली पार्टी हो रही है हमारी, तो ये देखिए कितना स्पेशियस हमें हॉल मिल रहा है यहाँ पर, कितना ज़्यादा स्पेशियस हॉल है हमारा यहाँ पर। सामने को टीवी आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशियस सा टीवी पैनल दे दिया गया है, कितना स्पेशियस टीवी पैनल है यहाँ पर। अब उसके बाद इस तरफ को देख लेते हैं, एक यहाँ पर एक रूम भी है, ये देखिए। सो यहाँ पर एक रूम भी दे दिया गया है, दैट मीन्स हमें 6 बेडरूम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमने 5 बेडरूम नीचे में देखे, तो ये एक और बेडरूम एड ऑन हो चुका है, दैट मीन्स 6 बेडरूम्स हमने देख लिए हैं। तो ये 6th बेडरूम हमारा आ गया। तो ये 6th बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम था, यहाँ से भी आपको बैक बालकनी मिल जाती है, आपकी सेपरेट बैक बालकनी, रनिंग बालकनी है प्रॉपर, जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर पर देखा था। उसके बाद सामने को आपका आ जाता है टेरेस, जो कि काफी अमेजिंग स्पेस है, वहां पर भी आप देखें, दिखाती हूँ मैं, आ जाइए। ये देखिए, ये आपका एक डांसिंग फ्लोर दे दिया, आप इसको सॉर्ट ऑफ डांसिंग फ्लोर कह लीजिए, या फिर आपका सिटिंग एरिया कह लीजिए, या आपको जैसे भी बनाना है स्पेस को, वैसे आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस एरिया था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैंने अभी देखा इस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड साथ में ही हमारा आसपास का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेवलप सा व्यू। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था, नीचे स्टेयर्स के पास खड़के जो सेपरेट स्टेयर्स थी, वहाँ पे खड़के मैंने आपको ये भी बोला था साथ में, कि ये जो स्टेयर्स है वो टॉप तक जाती हैं, साथ ही साथ में जो आपके हाउस हेल्प होंगे उनके रूम तक भी जाती हैं, तो ये उनका हाउस हेल्प का रूम आ जाएगा, और ये साथ में आ गई सेपरेट स्टेयर्स। सो दोस्तों, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस घर में मुझे इतना कुछ देखने को मिलेगा, स्पेशली ये एरिया जो बार स्पेस हमारा आ गया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने सोचा भी नहीं था, वो जेन्युइन मेरा रिएक्शन था। तो आप भी बताइएगा इस घर में आपको कौन सा स्पेस ज़्यादा पसंद आया है नीचे कॉमेंट्स में, हम आपके कॉमेंट्स दिल से आके पढ़ते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए कॉमेंट्स में, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लेकर आते रहें, एंड ऐसे ही आइडियाज़ आप सभी के घरों के लिए लेकर आते रहें। तो अगर कुछ भी जानना चाहते हैं इस घर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में, कुछ भी जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो शुक्रिया आप सभी का हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, नमस्कार।